हेलो क्लास सिक्स, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, कंटिन्यू करते हैं अपने स्टडी को। और एक्सरसाइज टू ही हमारा चल रहा है, फैक्टर एंड मल्टीपल्स का ये चैप्टर है। उसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड। ठीक है, तो हमने इस एक्सरसाइज टू ई में सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 24 तक। ठीक है, 24 तक सॉल्व कर लिया है, 25 से आज सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, चलिए। ट्वेंटी फाइव देखिए क्या कह रहा है। थ्री बेल्स टोल एट इंटरवल ऑफ 9, 12, 15 मिनट्स। थ्री बेल्स यानी तीन घंटियां हैं जो कि बज रही हैं। थ्री बेल्स तीन घंटियां हैं जो कि बज रही हैं। एक 9 मिनट्स के इंटरवल पे बज रही है, यानी हर 9 मिनट बाद बजेगी, टन टन 9 मिनट बाद। और एक जो है वो 12 मिनट के बाद बजेगी, और तीसरी जो है वो 15 मिनट्स के बाद जो है रिंग करेगी। इफ़ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, अगर तीनों एक साथ बजें आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर, तो कितने देर के बाद वो फिर से तीनों बेल एक साथ बजेंगी। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? थ्री बेल्स हैं, तीनों अलग अलग टाइम पे जो है रिंग कर रही हैं, बज रही हैं, और आपको पता ये करना है। ठीक है, पहले तो दिया है तीनों बेल हैं, अलग अलग बज रही हैं, और कह रहा है कि अगर तीनों एक साथ बज रही हैं, तीनों एक साथ एक ही समय पे एक साथ रिंग कर रही हैं, तो कितने समय बाद, कितने टाइम के बाद फिर से तीनों की तीनों बेल्स एक साथ बजेंगी, एक साथ रिंग करेंगी। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे, पहली लाइन लिख लेते हैं। थ्री बेल्स क्या है? टोल एट इंटरवल्स ऑफ 9, 12, 15 मिनट्स। 9, 12, 15 मिनट्स पे बेल रिंग कर रही हैं। अब देखिए, पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा टाइम है। ठीक, यानी ऐसा कौन सा टाइम, मतलब कि ऐसा कितना टाइम है, यानी कितना समय के बाद, कितने समय के बाद ये तीनों बेल एक साथ रिंग करेंगी। तो कहने का मतलब ये, देखो ध्यान से समझो, इसमें क्या बोला, तीनों बेल्स यानी जो थ्री बेल्स हैं वो एक साथ रिंग कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाए। यानी एक ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि जो 9 से भी डिवाइड हो जाए, 12 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक, तो ऐसा हम किस में करते हैं? तो ऐसा नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ऐसा नंबर फाइंड आउट करने के लिए एलसीएम निकालते हैं, तो इसमें भी वही करना है। ठीक है, एलसीएम ही फाइंड करना है। चलिए, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर After what time will they next roll together? If they start rolling together, अगर वो एक साथ बज रही हैं तो कितने समय बाद फिर बजेंगी, तो हमें वही निकालना। तो चलिए निकालते हैं। Now, taking the LCM of 9, 12, 15, we have एलसीएम लेने पे हमें क्या मिलेगा? एलसीएम लेंगे 9, 12, 15। ठीक, ठीक है, क्लियर है? टू के टेबल से कर रहे हैं, अब थ्री के टेबल से करेंगे। थ्री थ्री या 9, 3 वन या 3, 3 5 या 15, फिर थ्री के टेबल से करेंगे, 3 वन या 3, 1, और ये 5 टू 5 ही रहेगा। अब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5,
टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री 36, 36 इंटू फाइव, फाइव सिक्स जा 30 के ज़ीरो कैरी 3, और फाइव थ्री 15 और 3 180। ठीक है, तो कितना आ गया भाई एलसीएम 180, 180 मिनट आएगा क्योंकि ये सब मिनट में है, तो 180 मिनट एलसीएम हमारा आ गया 180 मिनट। अब ये 180 मिनट है, अब इसको हम क्या करेंगे, 180 मिनट को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, आवर में, क्योंकि जाहिर सी बात है 60 मिनट क्या होता है, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर होता है, तो अब ये 60 मिनट से अधिक है तो इसको आवर में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे ही इसको कन्वर्ट करेंगे हमें पता चलेगा कि इतने देर बाद, ऐसे देखोगे तो 180 मिनट्स के बाद ये तीनों बैल एक साथ रिंग करेंगी, 180 मिनट्स के बाद तीनों बैल एक साथ रिंग करेंगी। अब इस 180 मिनट को ही हमें बस कन्वर्ट कर देना आवर में और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग साइड में, हम साइड में लिख रहे हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है मेरे पास, आप लोग इसके नीचे राइट करिएगा। क्या राइट करेंगे, hence the required time, hence the required time equal to 180 मिनट है। अब 180 मिनट है, इसको अब आर में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, जैसे ही आप 60 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, आर्स में। ठीक है, तो 63 या 18 होता है, 63 या 18, ठीक, 60 के टेबल में 3 टाइम में 180 आ जाएगा और ये 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद ये सब एक साथ रिंग करेंगे, एक साथ बजेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम प्लेस। ठीक है भाई, देखिए कह रहा है कि 3 बॉयज हैं, ठीक, थ्री बॉयज हैं। अब ये तीनों जो लड़के हैं, ठीक है, वो एक साथ निकल रहे हैं एक ही जगह से, यहां से एक साथ लोग किधर की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ एक साथ निकल रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, इफ देयर स्टेप्स मेजर 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 54 सेंटीमीटर। कह रहा है कि स्टेप यानी कि जब वो एक कदम चल रहे हैं, ठीक है, स्टेप मेजर एक कदम, जब वो एक कदम चल रहे हैं तो कितना है, तो सबका अलग अलग है, तो एक का 36 है यानी एक कदम चलेगा तो 36 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, एक चलेगा तो 48 का करेगा और तीसरा कर रहा है 54 सेंटीमीटर का। ठीक है, यानी तीनों अलग अलग, यानी ये एक बार चलेगा तो 36 सेंटीमीटर कवर करेगा, फिर ये जो सेकंड है वो जाएगा तो 48 सेंटीमीटर कवर करेगा और थर्ड वाला है वो 54 सेंटीमीटर कवर करेगा। तो ये इतना इतना डिस्टेंस एक बार में लोग कवर कर रहे हैं, एक बार में चल रहे हैं। इसके बाद कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल दे अगेन स्टेप टुगेदर। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, अब स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर वो चलेंगे कि तीनों एक साथ फिर से आ जाएंगे। समझ रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो चल तो रहे हैं, तीनों का देखो अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन कितने डिस्टेंस को कवर करने के बाद वो फिर से एक पॉइंट में मिल जाएंगे, यानी कितना डिस्टेंस कवर करेंगे कि वो फिर से एक साथ आके फिर से चलने लगेंगे, ये आपको निकालना है। तो देखो तीनों वापस एक साथ मिल रहे हैं तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन 36 से, 48 से और 54 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस के बाद वो फिर से एक साथ ये लोग वापस मिल जाएंगे, फिर से एक साथ ये लोग वापस आ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखा जाए, चलिए भाई, थ्री बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम प्लेस, फ्रॉम द सेम
प्लेस, एक ही जगह से तीनों निकलते हैं। ठीक, नेक्स्ट, इफ देयर स्टेप, इफ देयर स्टेप्स मेजर, इफ देयर स्टेप्स मेजर 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 54 सेंटीमीटर। ठीक, नाउ taking LCM of 36, 48, 54 centimeters, we have, हमें क्या मिलेगा, we have LCM लेते हैं तो क्या मिलता है देखा जाए, 36, 48, 54 together से 2 1 2 2 8 16, 2 2 4 2 4 8 2 2 4 और 2 7 14, 2 9 18, 2 1 2 2 2 4 27 नहीं होगा, अभी भी 2 से होगा, 2 6 12, अभी भी 2 से होगा, 2 3 6, अब 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 1 3, 3 9 27, 3 1 3 1, 3 3 9, 1 1 1 आ गया भाई। अब हम लिखेंगे तो LCM इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 × 2 यानी 2 के पावर कितना जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, 2 जो है वो 4 टाइम 2 है और 3 टाइम 3 है, ये हो गया। अब सबको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई किया जाए, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ठीक है, 16 48 हो जाएगा, ये 48 यहाँ तक 48 हो गया, 3 3 9, ठीक है, 48 × 9 करते हैं, 48 × 9 करेंगे तो 9 8 72 का 2 कैरी 7, ठीक, और 9 4 36, 36 ये हो गया और 7 प्लस कर देते हैं, ठीक है, 13 3 कैरी 1, 4 3 2, 4 3 2, 4 32, क्या आ रहा है भाई, 4 32 सही है, एक बार चेक कर लेते हैं, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 3 48, ठीक है, 48 हो गया, 48 और 3 × 3 9, ठीक है, 48 × 9 ये हो गया, 9 8 72, ठीक है, और 9 4 36 और 7, ठीक है, तो ये हमारा आ गया 4 32। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, 432 सेंटीमीटर, 432 सेंटीमीटर ये आएगा आपका। अब इसी को आपको कन्वर्ट कर देना है किसमें, मीटर में, इसी को मीटर में बदल देना है, क्योंकि इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद, इतना डिस्टेंस जब तीनों कवर कर लेंगे तो एक साथ फिर से वो मिल जाएंगे, एक साथ फिर से सब वापस आ जाएंगे, तो लास्ट में लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, हैंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ठीक, क्या है भाई, 432 सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल दो, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको अगर हम 100 से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 20 है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 4 मीटर 32 सेंटीमीटर ये आपका आंसर आएगा, यानी 4 मीटर 32 सेंटीमीटर चलने के बाद वो तीनों वापस एक साथ आ जाएंगे और फिर से चलना शुरू कर देंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, 27 पे, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स। ठीक है भाई, कह रहा है कि ट्रैफिक है, ठीक है, ट्रैफिक लाइट है, ठीक, ट्रैफिक लाइट है, तो कह रहा है जो ट्रैफिक लाइट है वो चेंज होता जा रहा है 48 सेकेंड पे, ठीक, 48 सेकेंड पे, ठीक है, 3 ट्रैफिक लाइट्स है, द ट्रैफिक लाइट्स एट द 3 डिफरेंट रोड, ठीक है, 3 डिफरेंट रोड है और 3 अलग अलग रोड है तो 3 अलग अलग ट्रैफिक लाइट भी होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, 3 अलग अलग
ट्रैफिक लाइट भी होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि पहले रोड पे 48 सेकंड पे चेंज होता है, इस पे 72 सेकंड पे चेंज होता है, और तीसरे वाले पे 108 सेकंड पे चेंज होता है। थ्री ट्रैफिक लाइट्स हैं, एक 48 सेकंड पे चेंज होता रहता है, एक सेकंड वाला जो 72 सेकंड पे चेंज होगा, और थर्ड वाला जो है वो 108 सेकंड पे चेंज होता रह रहा है, ठीक है। देखो समझो, तो अलग अलग तीनों हो रहा है। अब क्वेश्चन में तुमसे ये पूछेगा कि ये बताओ कितने समय के बाद ये तीनों एक साथ चेंज होंगे, ठीक। अलग अलग दिया हुआ है और कितने समय के बाद ये तीनों के तीनों एक साथ चेंज होना शुरू होंगे, यानी एक साथ चेंज होंगे एक ही समय पे। ऐसा समय बताओ जिसमें तीनों एक साथ चेंज हो। तो एक ऐसा समय फाइंड करना है जिसमें तीनों एक साथ चेंज हो, तो हमें क्या फाइंड करना होगा, इन तीनों का LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसा कि अभी हम इतना करते आ रहे हैं, सेम यही प्रोसेस इसमें भी करना है। 48, 72, 108 है, अलग अलग है, तीनों का क्या फाइंड करेंगे, लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल फाइंड आउट कर लेंगे मल्टीपल, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने देर बाद ये तीनों एक साथ ब्लिंक करेंगे, ठीक है, सिग्नल चेंज होगा। चलो देखा जाए, देखिए द ट्रैफिक लाइट्स थ्री डिफरेंट रोड crossing changes after every 48 seconds, 72 seconds and 108 सेकेंड्स, ठीक। तो ये फर्स्ट लाइन जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, यही हमने पूरा फर्स्ट लाइन को ही उतार दिया है, ठीक है, क्वेश्चन से देख के कि जो ट्रैफिक लाइट है वो इतने इतने देर पे चेंज होता है, ठीक। इतना तो क्लियर, इतना तो समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, अच्छा इसके बाद बोला है कि इफ़ दे स्टार्ट चेंजिंग साइमल्टेनियसली एट 8 AM, अच्छा यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, इफ दे स्टार्ट, सेकेंड लाइन है ये हमारी, इफ दे स्टार्ट चेंजिंग, ठीक है, चेंजिंग, इफ दे स्टार्ट चेंजिंग साइमल्टेनियसली LY, ठीक है, OUSLY, साइमल्टेनियसली एट 8 AM। अब समझो, ठीक है, कह रहा है कि अगर तीनों के तीनों आठ बजे अगर एक साथ सिग्नल चेंज कर रहे हैं, यानी एक साथ सिग्नल जो है अपना चेंज कर रहे हैं, एक साथ कितने बजे, 8 बजे, इसमें तुमको टाइम दे दिया है कि अगर वो एक साथ 8 बजे सिग्नल चेंज कर रहे हैं तो कितने देर के बाद फिर से दोबारा वो सिग्नल चेंज करेंगे, एक साथ पूछ रहा है। तो 8 बजे कर रहे हैं, अब कितने देर बाद करेंगे फिर, देखा जाए भाई। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे क्या, LCM, now taking LCM of 48, 72, 108 seconds, we have, हमें क्या मिलेगा, तो चलिए देखते हैं हमें क्या मिलता है, 48, 72, 108, टू टेबल से किया जाए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18,
टू थ्री जो सिक्स नाइन, 27, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री नाइन जा 27, वन थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, फिर थ्री से करेंगे वन वन वन, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इक्वल टू आ गया हमारा टू टू, कितना है वन टू थ्री फोर, फोर टाइम टू है, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, और थ्री टाइम थ्री है तो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, ठीक है जी। देखो टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, सारा टू का मल्टीप्लाई करने पे 16 आ गया, ठीक। अब ये तुम्हारा कितना आएगा, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, तो ये हो जाएगा थ्री थ्री या नाइन, नाइन थ्री या 27, ठीक है 27। अब 16 इंटू 27 है, तो 16 इंटू 27 करते हैं, ठीक है 42, कैरी 4, 6 टू या 12, 12 और 4, 16, 7, 2, ये हो गया 2 और 7 और 6, 13 का 3 कैरी 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, यानी 432, कितना आ रहा है 432, 432 सेकेंड्स, 432 सेकेंड्स सेकेंड में है, हाँ 432 सेकेंड्स, ठीक है इतना क्लियर है। एलसीएम निकालने पे हमको क्या मिल रहा है, ठीक एलसीएम निकालने पे हमको मिल रहा है 432 सेकेंड्स, यानी इतने देर के बाद, इतने सेकेंड्स के बाद वो फिर से एक साथ बजेंगे, लेकिन यहाँ पे तुमको टाइम दिया हुआ है कि 8 बजे सुबह, सुबह 8 बजे अगर एक साथ बज रहे हैं तो कितने देर के बाद, तो इतने सेकंड के बाद वो फिर से एक साथ बजेंगे, ठीक है बजेंगे मतलब सॉरी वो फिर से एक साथ सिग्नल, ठीक है एक सिग्नल जो है ब्लिंक करेंगे, सिग्नल देंगे, तो ये हो गया हैंस, हैंस द रिक्वायर्ड टाइम, हैंस द रिक्वायर्ड टाइम, जो हमारा रिक्वायर्ड टाइम है वो क्या हो जाएगा, 8 बज रहा है, 8 बज रहा है, ठीक है 8 बज रहा है सुबह, सुबह के 8 बज रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें ही तो जोड़ना है, क्योंकि 8 बजे दिया है तो इसके बाद ना बताना है तुम्हें कि कितने देर बाद, तो इतने देर बाद बचे, इतने देर बाद जो है वो ब्लिंक करेंगे, यानी एक साथ सिग्नल पे आएंगे तीनों एक साथ, ठीक है तो इतने देर बाद, अब इतने देर बाद ये हो रहा है तो 8 बजे आपको टाइमिंग दिया हुआ है, ठीक समझो 8 बजे टाइमिंग दिया हुआ है और इतने देर बाद फिर से बजेगा, तो अब 8 बजे अगर बज रहा है तो कितने बजे फिर बजेगा, मतलब कितने बजे फिर वो सिग्नल जो है करेंगे सर, ट्रैफिक लाइट सिग्नल चेंज करेंगे, 8 बजे अगर चेंज करते हैं तो इतने देर बाद फिर करेंगे, तो 8 बज के कितने मिनट या कितने सेकंड पे वो फिर से चेंज करेंगे, तो 8 बज रहा है, अब इसी में क्या कर दो 432 जो है ये सेकंड है, अब इसको तुम डिवाइड करके किस में बदलोगे, मिनट में बदलोगे, तो 60 से अगर तुम डिवाइड कर दोगे तो ये मिनट में बदल जाएगा, ठीक है अब इसी को इसमें ऐड कर देना है, तो ये तो 8 का 8 रहेगा ही, ठीक है 8 एम ये रहेगा प्लस, ठीक है ये 8 एम है, ये 8 एम है, अब इसको जब करेंगे चेंज, ठीक है 432 क्या है, 32 हो गया 5, 5 प्लस 4 9 हो गया, 3 के टेबल से कट रहा है काट देते हैं, 3 2 जा 6 20 टाइम में, और 3 1 जा 3, और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 144 टाइम में, फिर अगर हम काटते हैं 2 के टेबल से कटेगा 10 टाइम में, और ये जाएगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 अभी भी कट रहा है, 2 5 जा 10, और ये 2 3 जा 6 36, ठीक है अब अगर करते हैं तो ये जाएगा तुम्हारा डेथ पॉइंट में चला जाएगा, ठीक है पॉइंट में चला जाएगा, तो मिनट और सेकंड में आ जाएगा, करो 5 7 जा 35 होता है 7.5, यानी 7 मिनट, ठीक है 36 बाई 5 ये है, तो जब इसको करोगे तो तुम 5 के टेबल से डिवाइड, तो 5 7 जा 35, ठीक है 7 मिनट ये हो जाएगा, और 1 बचेगा 1 अपॉन 5 सेकेंड, 1 अपॉन 5 सेकेंड का मतलब समझ रहे हो, 1 अपॉन 5 इंटू 60 करोगे तो ये बदल जाएगा 5 1 जा 5 5 टू 10, ठीक है 1 अपॉन 5 का मतलब 12 सेकेंड, 12 सेकेंड, ठीक है
तो 8 बजे तो कर ही रहा है, ठीक 8 बजे कर रहा है। अब उधर कितना है यार, 12 मिनट, ठीक, अरे 7 मिनट 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड आया है। अब इसको देखो, इसको इरेज करते रहें, इसके बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखो भाई 8 बजे तो कर ही रहा है, 8 बजे तो कर रहा है, ठीक है। अब कितने देर के बाद, यानी 8 बजे कर रहा है तो कितने देर के बाद करेगा, तो 8 बजे ये कर रहा है। अब हमारे पास वहाँ कितना आया, देखो यहाँ बचा था 36 अपॉन, क्या बचा था, 36 अपॉन 5। अब ये 36 अपॉन 5 मिनट में है ना, ठीक है। अब जब देखो फ्रैक्शन में तुमको मिल रहा है, अब इसको तुम चेंज करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, 8 AM तो ये है, इसको यहीं रहने दो, इससे नहीं दिक्कत है। अब जब इसको तुम बदलोगे तो देखो डिवाइड करोगे तो 5 7 या 35, 7 टाइम में चला जाएगा, तो 7 मिनट आ जाएगा, लेकिन रिमाइंडर में 1 बचेगा, रिमाइंडर में 1 बचेगा, तो ये 1 अपॉन 5 सेकेंड होगा, 1 अपॉन 5 सेकेंड, ठीक। रिमाइंडर में 1 बचेगा तो 1 रिमाइंडर ये और डिवाइजर 5, 1 अपॉन 5 सेकेंड। अब देखो ध्यान से, 1 अपॉन 5 सेकेंड, अब इस सेकेंड को हम जो फ्रैक्शन, इसको ओवरऑल बदलते हैं कि 1/5 कितना होता है, 1/5 सेकेंड कितना होता है, तो देखो मतलब 1/5 सेकेंड है, तो 7 मिनट ये हो गया आपका, 1/5 × 60 सेकेंड। देखो 60 सेकेंड होता है टोटल, अब 60 सेकेंड का 1/5 हिस्सा है, 60 सेकेंड का ही तो 1/5 हिस्सा है, ये 1/5 सेकेंड मत समझो, ये 1/5 ऑफ सेकेंड है, यानी सेकेंड का 1/5 पार्ट। तो इसको जब तुम करोगे तो 5 के टेबल से कटोगे, 5 × 5 और 5 12 टाइम में, ठीक है, 12 × 5 = 60 होता है, तो 12 टाइम में कट जाएगा, तो ये आएगा 8 AM, 8 बज रहा है और ये 7 मिनट 12 सेकेंड, 12 सेकेंड। यहाँ समझ में आया ना, यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, 1/5 सेकेंड नहीं है, 1/5 ऑफ सेकेंड, सेकेंड में कितना होता है 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड का 1/5 हिस्सा है, 60 सेकेंड का 1/5 हिस्सा है, इसीलिए ये 60 सेकेंड है, 60 सेकेंड इसका 1/5 हिस्सा है, इसलिए यहाँ पे ये किया गया मल्टीप्लाई। तो कितने देर बाद वो दोबारा बचेंगे, दोबारा सिग्नल चेंज करेंगे एक साथ, तो 8:07:12 पे, ठीक है, जब इसको करोगे तो ये आएगा 8, ठीक, 7 12, यानी कि 8:07:12 पे ये लोग क्या करेंगे, ये लोग एक साथ सिग्नल चेंज करेंगे, ठीक। वैसे देखो तो 7:12 पे, 7:12 बाद वो एक साथ सिग्नल चेंज करेंगे, लेकिन 8 बजे है तो अब कितने बजे फिर से करेंगे, तो 8:07:12, ठीक है, इसमें प्लस कर दोगे तो वही 8 आएगा, 8, ठीक है, यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, 8:07:12, ठीक है, पूरा पूरा ये हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। एक बार फिर से देख लिया जाए, एलसीएम निकाल लिया हमने, एलसीएम आया हमारे पास 4:32, 4:32 के बाद ये तीनों एक साथ सिग्नल चेंज करेंगे, और 4:32 को हम किस में बदल रहे हैं, हम बदल रहे हैं मिनट और सेकंड में, मिनट और सेकंड में बदल रहे हैं। तो जब हमने 4:32 को चेंज किया, तो 4:32, अब सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमने 60 से डिवाइड किया। अब इसके बाद यहाँ रिड्यूस किया, यहाँ देखो काटा गया, 3 के टेबल से पहले काटा गया, 3 के टेबल से, 3 के टेबल से काटने के बाद फिर 2 के टेबल से काटें, फिर 2 को फिर कट रहा था 2 के टेबल से, फिर 2 के टेबल से काटा गया, 2 के टेबल से काटा गया, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास क्या मिला, 36 अपॉन 5, ये हमको लास्ट में मिला। अब 36 अपॉन 5, अब इसको जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे, तो इसको देखो फ्रैक्शन में इसको अलग अलग करेंगे, तो मिनट और सेकंड में हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, तो ये 7 मिनट 5 सेकेंड या 35, 35 वन बचेगा, तो 1 अपॉन 5 सेकेंड, ये तो क्लियर है, यहाँ तो मैंने बता दिया ना 1 अपॉन 5 सेकेंड, यानी सेकेंड का 1/5 पार्ट, तो ये 1/5 हिस्सा कितना हो गया, 12 सेकेंड, तो 7 मिनट 12 सेकेंड ये आपका आंसर है, जो रिक्वायर्ड टाइम है 7 मिनट 12 सेकेंड है, ठीक है। और 8 बजे है तो कितने टाइम पे फिर बजेगा, फिर सिग्नल चेंज करेगा, तो 8:07:12, ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन जो है ये इस तरीके से है आपका, ओके, थ्री मेजरिंग रॉड्स आर 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर इन लेंथ, थ्री मेजरिंग रॉड। अब तो इसको इरेज करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो थ्री मेजरिंग रॉड, थ्री रॉड हैं, ठीक, एक ये है, ये है, ये है, थ्री मेजरिंग रॉड है, ठीक है। तीनों का लंबाई अलग अलग, ये एक है 45 सेंटीमीटर का, दूसरा है आपका 50 सेंटीमीटर का और तीसरा है 75 सेंटीमीटर लेंथ का। तीन रॉड है, तीनों अलग अलग लेंथ के हैं। व्हाट इज़ द लीस्ट लेंथ इन, अच्छा मीटर, मीटर में फाइंड करना है, ये सब सेंटीमीटर में है, ठीक है, हमें मीटर में फाइंड करना है। खैर हम लोग जब करेंगे तो लास्ट में चेंज कर लेंगे मीटर में। तो हमें फाइंड करना, व्हाट इज़ द लीस्ट लेंथ ऑफ रोप दैट कैन बी मेजर्ड बाय द फुल लेंथ ऑफ ईच ऑफ दीज रॉड। अच्छा तो ये आपको पता करना है कि एक ऐसे मेजरिंग टेप, मेजरिंग टेप जिससे नापते हैं, तो एक ऐसे मेजरिंग टेप का लेंथ बताइए जो कि तीनों रॉड को एग्जैक्ट नंबर में वो क्या कर दे, मेजर कर दे, यानी नाप ले एग्जैक्ट नंबर में। दैट मीन्स ये पूरी तरीके से क्या हो जाए, मतलब पूरी तरीके से मेज़र हो जाए उस टेप से, थोड़ा सा भी बचे भी नहीं। जैसे अगर हम लोग नाप रहे हैं तो ये रॉड है, हमने यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक ही टेप ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक ऐसा मेज़रिंग टेप चाहिए जो कि इस रॉड को पूरी पूरी तरीके से मेज़र कर ले, सेकेंड वाले रॉड को भी पूरी तरीके से मेज़र कर ले, कुछ भी बचे ना, और थर्ड वाले रॉड को भी पूरी तरीके से मेज़र कर ले, नाप ले, कोई भी थोड़ा सा भी हिस्सा बचना नहीं चाहिए, पूरी तरीके से मेज़र कर ले। एक ऐसा मेजरिंग टेप हमें चाहिए, तो उस मेजरिंग टेप का लेंथ कितना होगा, कितना लेंथ होगा कि तीनों के तीनों रॉड को हम नाप सकते हैं, तीनों के तीनों रॉड को नाप सकते हैं, उस टेप का, मेजरिंग टेप का लेंथ कितना होगा। दिमाग में बत्ती जली, बत्ती जल रही है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। तुम्हें एक ऐसा टेप चाहिए जो कि इस इन तीनों को नाप दे, पूरी तरीके से क्या मेज़र कर ले, ठीक है, जिसमें कि थोड़ा सा भी बचना नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ऐसा लीस्ट लेंथ बताइए, नहीं ऐसा लीस्ट वही लिस्ट, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो भी हम लोग करते आ रहे हैं वही हमें फाइंड करना है इसमें भी। चलिए देखा जाए, लेंथ ऑफ थ्री रॉड्स, थ्री तीन रॉड का जो लेंथ है 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज़ द लीस्ट लेंथ ऑफ, अच्छा तो वही लीस्ट लेंथ पूछा है, तो सिंपल है, ये लेंथ ऑफ रॉड हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे क्या, नाउ टेकिंग एलसीएम, नाउ टेकिंग एलसीएम ऑफ 45, 50, 75 सेंटीमीटर वी हैव, हमें क्या मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा देखिए, देखा जाए 45, 50, 75, ठीक है। 50 है तो 2 के टेबल से हो जाएगा, ये 45 नहीं होगा, 2 × 4 25 टाइम में 50 हो जाएगा और ये 75। अब इसके बाद देखा जाए 45, 25 3 के टेबल से होगा, जी हाँ 3 के टेबल से होगा, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 25 नहीं होगा, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15 हो गया। अब 3 के टेबल्स करेंगे तो 3 × 5 = 15, 25, 25, अब 3 के टेबल्स नहीं होगा, 5 के टेबल्स होगा, 5 × 5, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, फिर 5 के टेबल्स करेंगे, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 5 = 5, ख़त्म। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम इक्वल टू आएगा 2 × 3 × 3 × 5 × 5 करते हैं, तो देखो ये 5 और 2 का मल्टीप्लाई करो तो 10 हो गया। अब इन तीनों का देखो, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 और 9 × 5 = 45, देख रहे हो 3 × 3 = 9 और 9 × 5 = 45, 5 × 2 = 10 और ये सिंपल हो गया 450, आराम से मल्टीप्लाई हो गया ना, 450, 450, क्लियर है। एलसीएम कितना आया, 450, 450,
सेंटीमीटर, ये 450 सेंटीमीटर में आया है, ठीक 450 सेंटीमीटर में आया है। अब वही लास्ट में लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मेजरिंग टेप, हैंस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मेजरिंग टेप, ठीक है। तो उस टेप का रिक्वायर्ड लेंथ क्या है, 450 सेंटीमीटर। अब ये 450 सेंटीमीटर है आपके पास बाबू, इसको मीटर में बदलना है तो किससे करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। बताया है मैंने 100 से डिवाइड करते ही ये तुम्हारा मीटर में बदल जाएगा, एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल आउट हो गया, 10 है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक 10 1 डिजिट का पॉइंट, ऐसे देखो कैंसिल मत करो, ठीक है ऐसे देखो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 20 है तो 20 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है, अल्टीमेटली बात वही पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 4 मीटर, 4 मीटर, तो पूरा पूरा मीटर में बदलना है तो 4.50 मीटर, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 20 है बस राइट हैंड साइड से 2 डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा दो, ठीक है, तो 4.50 मीटर ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो कितना लेंथ होना चाहिए उस मेजरिंग टेप का, 4.50 मीटर होना चाहिए ताकि ये तीनों रॉड को जो है एग्जैक्ट यानी पूरी तरीके से मेजर कर ले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 29 पे, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक अ बीप आफ्टर एवरी 15 सेकेंड, ठीक है, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मान लो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, जो कि बीप करता है, ठीक है, बीप बीप बोल रहा है, कर रहा है 15 मिनट्स, ठीक है, एवरी 15 मिनट्स, ठीक, हर 15 मिनट, हर 15 मिनट पे बीप बीप, 15 मिनट का समझ लो टाइमर सेट कर दिया क्या, और ये वहां से जो है बीप कर रहे हैं। Another device makes a beep after 20 minute. अच्छा दूसरा जो है, दूसरा डिवाइस है, दो डिवाइस है आपके पास, ठीक, ये डिवाइस जो है ये भी बीप कर रहे हैं लेकिन 20 मिनट पे, ये जो है वो 15 मिनट पे बीप कर रहे हैं और ये सेकंड वाले जो है वो 20 मिनट पे बीप कर रहे हैं। दे बीप टुगेदर एट 6 AM, अगर वो दोनों एक साथ 6 बजे सुबह, ठीक है, 6 बजे सुबह बजते हैं एक साथ, अभी जैसा कि हमने कौन सा वाला अभी क्वेश्चन किया था ना जी, ट्रैफिक वाला, कि 8 बजे वो लोग बीप कर रहे हैं तो कितने टाइम के बाद फिर से बीप करेंगे, तो इसमें भी वही है, 15 मिनट पे ये बीप कर रहा है, 20 मिनट पे ये बीप कर रहा है और दोनों एक साथ 6 बजे सुबह बीप कर रहे हैं, तो बताइए कितने देर के बाद, कितने टाइम के बाद वो फिर से एक साथ बीप करेंगे, फिर से एक साथ बजेंगे, ये आपको पता करना है। तो ये तो सिंपल कर लोगे ना, जैसा कि अभी हमने ट्रैफिक लाइट वाला किया है सेम वैसा ही है, तो ये वाला आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, ये आप करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट की बात रही तो स्टेटमेंट पे आप लिख देना, पहला ही लाइन लिख देना, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 15 मिनट, ठीक है, पहला लाइन। सेकेंड लाइन में सेकेंड लाइन लिखना, अनदर डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 20 मिनट्स, सेकेंड लाइन हो गया। इसके बाद लिखना दे बीप्ड टुगेदर एट 6 AM, तीन लाइन हो गई, दे बीप्ड टुगेदर एट 6 AM, ये हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, लिखोगे नाउ टेकिंग एलसीएम, वी हैव एलसीएम निकालोगे, एलसीएम आएगा, फिर हैंस द रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है, एलसीएम निकालोगे फिर लिखोगे हैंस द रिक्वायर्ड टाइम, जो रिक्वायर्ड टाइम है, अब देखो किस में है, सेकंड में है, मिनट में है, ठीक है। तो अगर देखो 60 मिनट से अधिक, एलसीएम में अगर 60 मिनट से अधिक आता है, 60 मिनट से अगर अधिक आएगा तो उसको तुम चेंज करना किस में, आवर में, किस में चेंज कर देना, आवर में, क्योंकि आपको पता है 60 मिनट में 1 आवर होता है, तो अगर 60 से अधिक रहा, जैसे अगर 360 आ गया, तो 360 आ गया तो इसको 60 से डिवाइड कर देना, तो कितना हो जाएगा 6 आवर, ठीक 6 आवर। तो कहने का मतलब 60 से अगर अधिक आता, अगर 180 भी आ गया, 180 आता है तो इसको 60 से डिवाइड कर दो, तो ये जगह 6 3 18 3 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो कहने अगर 120 भी आता है, 120 अगर आ गया, मतलब 60 से अधिक अगर आ गया तो इसको 60 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 आवर्स आवर में बदल जाएगा, ठीक है। अगर मिनट में भी आ रहा होगा तो आवर मिनट में भी कर सकते हो,
पूरा पूरा अगर आवर में बदल जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 बजे सुबह बोला है तो जितना भी टाइम आएगा वो रिक्वायर्ड टाइम जो है 6 AM प्लस उसके साथ लिख देना, यानी 6 बज के इतने मिनट इतना सेकंड अगर आएगा सेकंड में तो नहीं तो 6 बज के देखो 6 AM है तो जब मिनट है आवर में करोगे तो 6 में जुड़ जाएगा। तो जैसे अगर हमारे पास 6 आवर आया तो 6 में 6 आवर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 बजे सुबह है तो 6 बजे सुबह के बाद 6 में 6 प्लस करोगे 12 यानी 12 बजे, तब दोपहर में 12 बजे बजेगा। अब 3 आवर्स अगर आता है यानी कि जब कन्वर्ट करोगे आर में तो 6 AM में प्लस कर देना, 6 AM में प्लस कर देना, ठीक है। जब 6 AM में प्लस हो जाए, अगर 3 आवर आता है करने पे तो 6 में प्लस कर दोगे 3 तो 6 के बाद 7, 8, 9 यानी 9 बजे बजे बीप करेंगे सब। अगर 2 आवर्स आता है, 2 आवर्स आएगा तो 2 प्लस कर दोगे तो 6 के बाद 7, 8 यानी 8 बजे सब बीप करेंगे। तो कहने का मतलब जितना भी आर में आएगा आर वाला वैल्यू जो है 6 में जोड़ देना, 6 में प्लस कर देना, 6 है 6 में प्लस कर देना, क्लियर है। तो तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर तुम्हें मिल जाएगा। ट्वेंटी नाइन वाला तो आपको करना है। लास्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3030। द सर्कमफ्रेंस ऑफ 4 व्हील्स आर 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 75 एंड 100। सर्कमफ्रेंस ओके, तो देखो ये है तुम्हारा व्हील, ठीक है, जो है पहिया है तुम्हारे पास, ठीक, सब अलग अलग है। सर्कमफ्रेंस यानी कि पूरा जो लेंथ होता है व्हील सर्कल का पूरा, ये पूरा लेंथ सर्कमफ्रेंस कहलाता है, ये पूरा का पूरा लेंथ सर्कमफ्रेंस कहलाता है, समझ रहे हो ना, पूरा का पूरा जो लेंथ है वो क्या कहलाता है, सर्कमफ्रेंस कहलाता है। तो 4 व्हील्स हैं उनका दिया हुआ है, ठीक है, एक 50 है, 60 है, ठीक है, 75 है और 100 सेंटीमीटर है। 50, 60, 75, 100 सेंटीमीटर है, 4 व्हील्स हैं, 4 पहिए हैं। दे स्टार्ट मूविंग सिमिलरली और वो एक साथ मूव करना शुरू करते हैं, एक साथ मूव करना शुरू करते हैं। वॉट लीस्ट डिस्टेंस शुड दे कवर सो दैट ईच विल मेक अ कंप्लीट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। कहने का मतलब ये है, एक साथ देखो शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं एक साथ, ठीक, एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद वो फिर से एक साथ जो है वो आ जाएंगे चक्कर लगाने, दैट मीन्स फिर से वो एक साथ जो है चलने लगेंगे। और आपसे पूछा कंप्लीट रेवोल्यूशन, कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब कि पूरा, यानी कि अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पहिया, ठीक है, ये है व्हील, तो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो जब यहाँ से शुरू होगा तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर मान लो लगाया, जब इसको तुम खोलोगे तो ये घूम के यहाँ आएगा पूरा, एक घूम के यानी यहाँ से देखो जब लुढ़काओगे ऐसे तो ऐसे करके पूरा यहाँ से यहाँ तक कवर करेगा एक पूरा, ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस हुआ यानी एक चक्कर में वो यहाँ तक गया, तो टोटल ऐसे कितने वो चक्कर लगाएगा कि एक पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाए और फिर से वो एक साथ सारे के सारे व्हील्स आके फिर से एक साथ चलना शुरू कर दें, समझ रहे हो, ये चीज़ क्वेश्चन में कह रहा है। चलिए आइए देखा जाए बोर्ड पे सॉल्यूशन इसका। तो हम पहले लिख देंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ 4 व्हील, सर्कमफ्रेंस पहली लाइन ही लिख दिया जाए, सर्कमफ्रेंस ऑफ 4 व्हील्स, 4 व्हील्स 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर, ठीक। दे स्टार्ट, सेकेंड लाइन में जाकर दे स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली, SLY, साइमल्टेनियसली, ठीक है, एक साथ मूव करना शुरू करते हैं, इसके बाद नाउ टेकिंग LCM निकालते हैं, LCM ऑफ 50, 60, 75, 100 सेंटीमीटर्स, वी हैव, हमें क्या मिलेगा, वी हैव
हमें क्या मिलेगा, तो देखा जाए क्या मिलता है भाई हमें। सॉल्व करने पे तो हमें आंसर मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। 2 के टेबल से ले जाया जाए, ठीक है, 25 टाइम में, 30 टाइम में, 75 नहीं होगा, 50 टाइम में। अभी भी 2 के टेबल से जाएगा, 25 नहीं होगा, ये जाएगा 15 टाइम में, 75 नहीं होगा, ये जाएगा 25 टाइम में। अब इसको 3 के टेबल से ले जाते हैं, 25 नहीं होगा, 3 5 15 हो जाएगा, 75 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 25 टाइम में, 25 नहीं होगा। अब 5 के टेबल से ले जाते हैं, 5 5 25, 1 टाइम में, 5 टाइम में और 5 टाइम में, फिर 5 से डिवाइड करो, 1 टाइम में, 1 टाइम में, 1 टाइम में, 1 टाइम। अब LCM जो है वो क्या आएगा आपका, LCM आएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 5, ये आपका LCM आया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 × 5, 6 5 30, 300 आपका LCM आया। अब 300 क्या आया, 300 सेंटीमीटर आ रहा है, 300 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है, 300 सेंटीमीटर आ रहा है। तो हैंस द रिक्वायर्ड, क्या पूछा था भाई हमसे, वॉट लीस्ट डिस्टेंस शुड दे कवर, अच्छा, हैंस द रिक्वायर्ड लीस्ट डिस्टेंस, हैंस द रिक्वायर्ड लीस्ट डिस्टेंस इक्वल टू, रिक्वायर्ड लीस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, कितना है, 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर। अब 300 सेंटीमीटर को बदल दो मीटर में, 100 से डिवाइड करोगे ये मीटर में बदल जाएगा, तो कितना आएगा, 3 मीटर। 3 मीटर का डिस्टेंस वो लोग कवर करेंगे, और कवर करने के बाद वो फिर से एक साथ आ जाएंगे और फिर से वो मूव करना शुरू कर देंगे। और 3 मीटर ऐसे डिस्टेंस है जिसमें सारे के सारे जो व्हील हैं वो अपना कंप्लीट चक्कर लगा लेंगे, कंप्लीट एक चक्कर कवर पूरा कर लेंगे। तो क्लास 6 ये रहा आपका एक्सरसाइज 2E का क्वेश्चन नंबर 25 to 30 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 29 मैंने छोड़ा है करने के लिए, जो कि क्वेश्चन नंबर आपके 27 से एकदम मैच करता है, ठीक है, इसलिए आपको 29 खुद से सॉल्व करना है। अगर नहीं आएगा तो फिर पूछ लेना, फिर मैं बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास में उसको डील कर लेंगे, ठीक है भाई। तब तक आप पूरा जो है कंप्लीट कर लीजिए, अपनी कॉपी में राइट कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, ओके, थैंक यू।